नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म टीकू वेड शुरू से प्रोड्यूसर बनी कंगना रनौत इन दिनों शादी करने के मूड में हैं। बता दें कि हाल ही में उन्होंने फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग पूरी की है। अब एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म की तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि वे शादी करना चाहती हैं और अपना परिवार बसाना चाहती हैं। वैसे आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर चीज का एक समय होता है और अगर वह समय मेरे जीवन में आना है तो वह आ जाएगा और वह शादी करना चाहती हैं, अपना परिवार बसाना चाहती हैं, लेकिन ये सब सही समय पर होगा। वहीं कंगना ने टीकू वेड शुरू में अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि ये फिल्म स्ट्रगलर्स को समर्पित है। फिल्म टीकू वेड शुरू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर लीड रोल में है। वह इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर एक्टर बनने का सपना देखते हैं। वही ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कंगना रनौत ने कहा कि ये फिल्म उन लोगों को समर्पित है जो मुंबई एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो यहाँ आकर एक्टर तो नहीं बन पाते लेकिन एक्टर बनने की जर्नी में कुछ दूसरा अच्छा कर पाते हैं। वही उन्होंने अनुराग बसु का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने ही उन्हें गैंगस्टर फिल्म दी थी। वहीं कंगना ने कहा कि अगर अनुराग ने उन्हें ये फिल्म ना दी होती तो वह पता नहीं कहाँ होती। वैसे बता दें कि कंगना के पास इस वक्त इमरजेंसी के अलावा चंद्रमुखी 2 और तेजस जैसी फिल्में हैं जहाँ उन्होंने इमरजेंसी की शूटिंग पूरी कर ली है। वहीं अब वह अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई है। वैसे आपको क्या ख्याल है, कंगना रनौत को शादी करनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल एंटरटेनमेंट की ऐसी मजेदार खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।